गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज विशाल। एंड आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल के एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर के बारे में, जिसका नाम है फोरकास्ट फंक्शन। तो चलिए मैं आपको एक्सेल में ओपन करके दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इसका यूज क्यों किया जाता है एंड एक किस लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें फ्यूचर की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, मतलब कुछ भी हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास है उसे हम फ्यूचर का जो भी डेटाबेस है उसको हम कलेक्ट करना चाहते हैं। तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको एमएस एक्सेल में चल के ये बताता हूँ। एंड फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। सबसे पहले तो आपको देखिए, आपके पास एक वैल्यू होनी चाहिए, और ये हमारा जो डेटा है तो हमें अब क्या करना है, हमारे पास जो अभी डेटा अवेलेबल है वो 2011 से लगाकर 2018 तक का है, और ये डेटाबेस हमारे पास अभी अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, फ्यूचर का जो डेटा है वो इसी बेस पे हमें निकालना है। हमें नहीं पता कि फ्यूचर में इसकी सेल्स कहाँ जाएंगी, गिरेंगी या बढ़ेंगी, बट हम एक एस्टिमेट जो डेटाबेस है उसको हम कलेक्ट करेंगे इसी से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए हम 2019 से लगाकर 2030 तक का डेटाबेस यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको टाइप करना है और एक ग्राफ को हम इसी में बनाएंगे, तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। इक्वल टू, अब आपको यहाँ पे फोरकास्ट, तो आपको ये बहुत सारे फोरकास्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, बट आपको जो है ईटीसी वाला सॉरी ईटीएस वाला सेलेक्ट करना है जो फर्स्ट नंबर पे आता है। तो इसको हम टैप प्रेस करते हैं तो ये यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमसे क्या ये बोल रहा है कि टारगेट डेट, तो हमारी टारगेट डेट जो है वो है 2019, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा दे देंगे। अब हमसे पूछ रहा है वैल्यू, तो हमारी वैल्यू तो ये हो गई, तो इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे 2018 तक, ये हमारी वैल्यू हो गई। फिर से हमें कॉमा देना है। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है टाइम लाइन, तो टाइम लाइन हमारी है ये 2011 से लगाकर 2018। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे इसको, और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारी जो भी वैल्यूज हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पर सिंपली क्लिक करना है, और यहाँ जर्नल में जाने के बाद इसको करेंसी पे सेट कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमारी फ्यूचर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आपको कर्सर लाना है और इसको मूव करना है नीचे की तरफ, तो ये आपकी जो भी फ्यूचर की वैल्यू होंगी वो इसी डेटाबेस के आधार पे आपको दिखा दी जाएंगी। तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपको दिखा दी जाएंगी। अब आपको क्या करना है, ये पूरा डेटाबेस आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ इसको, डेटाबेस आपको पूरा सेलेक्ट करके रखना है, तो इतना मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको चार्ट पे क्लिक कर देना है सिंपली। अब यहाँ से आप एक ग्राफ को डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपकी कितनी वैल्यूज़ बढ़ी हैं और कितने वैल्यूज़ आपकी गिरी हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला चार्ट यहाँ पे, और इसके डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं, आपको जैसा बेटर लगे वैसा आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पे आप एक जो आपका हिस्टोरिकल डेटाबेस है उसके आधार पे आप अपने फ्यूचर का डेटाबेस यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।